in protest and in trying somewhere to break the silence and challenge the politics of hatred that seems to be taking over this country. And the result of that is eminently clear and in front of us. This, of course, happened just day before yesterday, and we all felt that there was, if not now, then when would we all get together, come here and protest? And most of you know that the Not In My campaign at the moment is also in the process of organizing on the 10th of September, 100 plus actions across Delhi against hatred. These are actions that will take place all across the city, from Madanpur Khadar to Bhavana to Arkepuram to Vasant Kunj to, and in the NCR area, to Gurgaon and to Noida, and in Noida. Please do look at the website of the campaign and see which action is happening near you. All those events are up on the website, and please do join those protests, because those actions are now also actions that will speak of the killing of Gauri Lankesh. This is a citizens' protest. We don't take funds from any organization, from any group. All the expense for the campaign have to be met through contributions of individuals, and even today's expense will have to be met by all of us who are here, so we would be really grateful. There will be volunteers who will come to you with boxes. Please do contribute and put some money in the box. And I would now like to invite one of the finest and the most eminent of poets from the Hindi world, Mangalesh Dabral, whose poems we are all familiar with, and he is a living legend for us, Mangalesh Dabral ji. साथियों, मैं यहाँ पर गौरी लंकेश की बर्बर हत्या जो हुई है वो एक फासिस्टों द्वारा की गई हत्या है, और गौरी लंकेश हमारी शहीद हैं। कलबुर्गी, दाभोलकर और प्राण कॉम्रेड पानसरे के क्रम में, और दरअसल गौरी लंकेश की हत्या उन्हीं ताकतों और उसी मानसिकता ने की है जिसने गांधी की हत्या की थी। तो गांधी से लेकर गौरी तक ये एक ही मानसिकता है, एक ही माइंडसेट है जो इस तरह की हत्याओं को अंजाम देता है। आज हमारे देश में जो ताकतें सत्ता पर काबिज हैं, उनके लोगों के सिर्फ तीन काम हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई संवेदना नहीं है। उनके पास सिर्फ ये है कि किसी भी तर्क का जवाब या तो धमकी, आतंक, हिंसा और हत्या से देते हैं। और ये धमकियाँ, ये आतंक हमारे हवाओं में दिख रहा है। आज हमारे देश में हवाओं में तैरता हुआ आता है और किसी की भी हत्या कर सकता है। तो ये पूरी कलबुर्गी, दाभोलकर और पानसरे और उसके बाद गौरी की हत्या का जो पैटर्न है वो एक ही है। ये अफसोस की बात है, और ये बेहद, मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ इस देश का नागरिक होने के नाते, कि हमारा देश एक ऐसे देश में बदल गया है जो हत्या और हिंसा का देश है, और ये एक आतंक का देश हो चुका है, हत्याओं का देश हो चुका है। और मैं इस मुझे इस मौके पर जो है ना, वरुण भट्टाचार्य की दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि यह मृत्यु पत्रिका मेरा देश नहीं है, यह जल्लादों का उल्लास मंच मेरा देश नहीं है। तो ये हमारा देश कोई और था, वो आज ख़त्म किया जा रहा है। और सच्चाई तो यह है कि ये ताकतें जो हैं वो एक और पॉलिटिशियन की ओर समाज को ले जा रही हैं, और जिस पॉलिटिशियन का खून खराबा ख़त्म हो गया था 1947 के बाद, और एक हमारे यहाँ लोकतंत्र और भाईचारा और एक हारमनी हमारे देश में आ गई थी, उस हारमनी को ख़त्म कर दिया गया है। और वो एक लगता है कि वो जो पॉलिटिशियन
जो वहाँ पर छूट गया था 47 की सरहदों पर, वो फिर से पूरे देश में फैलाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी चिंता एक कवि के नाते ये है, भाषा का नागरिक, मैं एक भाषा का नागरिक हूँ और मैं भाषा में रहता हूँ और भाषा ही मेरी नागरिक पहचान है, तो इस भाषा में जिस तरह की फुअड़ता, अश्लीलता, जिस अपराधीकरण, जिस तरह की अमानवीयता, जो क्रिमिनलाइजेशन इस भाषा का किया जा रहा है हमारी हिंदी का, और जो डीह्यूमनाइजेशन किया जा रहा है, वो मेरे लिए एक बेहद चिंता की बात है। ये मेरे लिए बायोलॉजिकल चिंता हो चुकी है कि हमारी भाषा हम पर, जितने भी संवेदनशील लोग हैं उन पर ये जिम्मेदारी है कि भाषा के अर्थों को बचाएं, और भाषा के सही अर्थों को बचाना जिन लोगों की चिंता है उनके लिए ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि आज वो भाषा जो है पूरी तरह ध्वस्त कर दी जा चुकी है। मोदी सरकार में अभी अभी नियुक्त हुए नए मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के ट्विटर अगर आप देखें तो उनको देखकर डर लगता है, और वो भय बेहद बेहद डरावने हैं, उनमें मुसलमानों औरतों के खिलाफ इतना जहर है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश के जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आप ऐसी भाषा को अलाउ कर देते हैं लोकतंत्र में, जब आप उसको शह देने लगते हैं, तो मेजोरिटी उस भाषा को बोलने लगती है और उसको बोलने की छूट मिल जाती है। यही हमारे देश में हो रहा है। तो मैं, हम लोगों ने एनम कलबुर्गी और पानसरे और कॉमरेड दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड पानसरे, इनकी हत्या के विरोध में अपने अपने पुरस्कार वापस किए थे, साहित्य अकादमी के पुरस्कार। तो हम लोगों के साथ बहुत से लोग, 40 लोगों ने पुरस्कार वापस किए थे। उसकी एक, उसका एक इंटरनेशनल इको सुनाई दिया, उस पर जो एक PN इंटरनेशनल के 57 लेखकों ने बयान अपने जारी, एक उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि हिंदुस्तान इनटॉलरेंट कंट्री हो चुका है, और यही ने सलमान रुश्दी जैसे लेखक ने भी उसको अपना सपोर्ट किया उसको, तो उससे एक अंतर्राष्ट्रीय उसका एक इम्पैक्ट हुआ। और बाद में ये तक कहा जाने लगा संघ परिवार की ओर से कि हम जो बिहार का चुनाव हारे वो इन लोगों की वजह से हारे जिन्होंने पुरस्कार वापस किया। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर ऐसा, अगर लेखकों के पास इतनी बड़ी ताकत होती तो तब तो आप तक मतलब पता नहीं क्या हो चुका होता। तो लेकिन आपका भ्रम है अगर तो भ्रम बना रहे तो अच्छा ही है। तो मैं एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर कही भी गई कि अब जो गौरी लंकेश की हत्या के इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक और थ्योरी पेश की जा रही है कि इसमें कोई माओवादी एंगल है, और ये कहा जा रहा है कि वो उनके भाई के द्वारा, जो कि शायद कभी भी भाजपा में जा सकते हैं, इस तरह की तमाम खबरें, उनके इंटरव्यू आए हैं कि वो भाजपा ने उनसे राजनीति में आने का वो किया है और वो एक नए फील्ड में जाना चाहते हैं कुछ व्यावसायिक फिल्में बनाने के बाद। तो ये इट इज़ नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू डिरेल एंड टू डिरेल एंड डाइवर्ट द लाइन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो एक ये हो सकता है कि गौरी लंकेश जो है वो माओवादियों को मिनिस्ट्री में लाने के लिए कुछ कोशिश कर रही हूँ सरकार के साथ, क्योंकि क्योंकि वो एक अत्यंत सम्मानित पत्रकार थी और उनका बहुत असर था। असल में पूरे लंकेश परिवार का ही कर्नाटक समाज में बहुत असर था और वो हमेशा से रहा है, वो चाहे वो शुरू हुआ था उस समय से जबकि जब UR अनंत मूर्ति और P लंकेश और तेजस्वी ने वहाँ पर कर्नाटक में एक कन्नड़ समर्थक आंदोलन चलाया था जिसमें कि जातिवाद का विरोध था, ब्राह्मणवाद का विरोध था और इसमें एक रेडिकल कन्नड़िगा अप्रोच थी कि एक कन्नड़ आइडेंटिटी जो कि जातिवाद और किसी भी तरह के पैरोकियलिज्म रिवाइवलिज्म से मुक्त। तो इस पूरे खानदान का बहुत सम्मान रहा है वहाँ पर, और इसलिए जब अब मतलब ये कहा जा रहा है कि इसका माओवादी एंगल है, ये प्राइमा फेसी ये है कि माओवादी कभी इस तरह हत्या नहीं करते हैं,
और कभी वो जो है किराए के लोगों को लेकर हत्या नहीं करवाते हैं, और ज़्यादातर मामलों में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, घोषित कर देते हैं कि हमने ही किया है। तो ये इसमें कोई माओवाद एंगल तो संभव ही जो है नहीं है। और इस बात के लिए गौरी लंकेश का जो आखिरी लेख है, जो कि उन्होंने फेक न्यूज़ को लेकर के लिखा था, और ये लिखा था किस तरह सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को जनरेट करवाने में और उसको जो है डिसेमिनेट करने में जो है वो बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है, इस बारे में उनका अंतिम लेख था। वो बहुत ही मार्मिक लेख है, बहुत रिवीलिंग है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि इन्हीं सब कारणों से उनकी हत्या हुई है। तो इसके साथ ही मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ आपको। मैंने इन घटनाओं को लेकर कविता लिखी थी, लेकिन मैं उसको ला नहीं पाया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कविता पढ़नी होगी। तो ये मैं किसी दोस्त के लिए लाया था यहाँ, तो मैं उसमें से एक कविता सुना देता हूँ। इसका नाम है यथार्थ इन दिनों। जब भी यथार्थ का पीछा करता हूँ, देखता हूँ वह भी मेरा पीछा कर रहा है, मुझसे तेज भाग रहा है। घर हो या बाजार, हर जगह उसके दांत चमकते हुए दिखते हैं। अंधेरे में, रोशनी में, घबराया हुआ मैं नींद में जाता हूँ तो वह वहाँ भी मौजूद होता है। एक स्वप्न से निकलकर बाहर आता हूँ तो वह वहाँ भी पहले से घात लगाए हुए रहता है। यथार्थ इन दिनों इतना चौंधियाता हुआ है कि उससे आंखें मिलाना मुश्किल है। मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो वह एक हिंसक जानवर की तरह हमला करके निकल जाता है। सिर्फ कहीं कहीं उसके निशान दिखाई देते हैं, किसी सड़क पर, जंगल में, पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी के भीतर, एक उजड़ा हुआ चूल्हा, एक दही हुई छत, छोड़कर चले गए लोगों का एक सुनसान। एक मरा हुआ मनुष्य इस समय जीवित मनुष्य की तुलना में कहीं ज़्यादा कह रहा है। उसके शरीर से बहता हुआ रक्त शरीर के भीतर दौड़ते हुए रक्त से कहीं ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। एक तेज़ हवा चल रही है और विचारों, स्वप्नों, स्मृतियों को फटे हुए कागज़ों की तरह उड़ा रही है। एक अंधेरी सी, एक काली सी चीज़ हिंसक पशुओं से भरी हुई एक रात चारों ओर इकट्ठा हो रही है। एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक दलाल आसमानों, पहाड़ों, नद मैदानों को लांघता हुआ जा रहा है। उसके हाथ धरती के मर्म को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक आदिवासी को उसके जंगल से खदेड़ने का खाका बन चुका है। विस्थापितों की एक भीड़ अपनी बची खुची गृहस्थी को पोटलियों में बांध रही है। उसे किसी अज्ञात भविष्य की ओर ढकेलने की योजना तैयार है। ऊपर आसमान में एक विकराल हवाई जहाज बम बरसाने के लिए तैयार है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, अंगरक्षक, सुरक्षा गार्ड, सैनिक, अर्धसैनिक बल बंदूकों, गोलियों, रॉकेटों से लैस हो रहे हैं। यथार्थ इन दिनों बहुत ज़्यादा यथार्थ है। उसके शरीर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसका रक्त।